अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू व्लॉग। लास्ट टाइम जो हमारा सिटी का प्लान रह गया था, हम उसको कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जी हडसन यार्ड विजिट करने, और इसकी हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी थी सोशल मीडिया पर, सो वी थॉट व्हाई नॉट जाएं और जाकर लाइव देखते हैं। हम लाइट्स देखने जा रहे हैं, और ये चेक करें, रियान साहब अपनी लाइट लेकर आए हैं। क्या ज़रूरत है हम इतनी दूर ड्राइव करके जाएंगे इस इन लाइट्स को देखने के लिए? रियान ऑलरेडी हैव दैट लाइट, राइट रियान? यस। सो वी शुड गो बैक टू होम? नो, बिकॉज़ इट्स ब्रोक इन द कार। ड्राइव थी जी ऑलमोस्ट 1 आवर की, और रास्ते में बच्चे हो गए जी स्लीपी। अब इनको एक्टिव करने के लिए मेरे हस्बैंड ने खोल दी गाड़ी की सनरूफ, और जो प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं आई, और मैं तो वैसे ही शौकी हो गई ना। तो इस बार भी हमने पार्किंग पहले से बुक करवा ली थी। इससे हुआ ये कि हमारा टाइम सेव हो गया, और हमने ब्लॉक टू ब्लॉक पार्किंग फाइंड नहीं की। हमें पता था कि पार्किंग हमने कहाँ करनी है, तो हम डायरेक्ट उसी गैराज में गए जहाँ हमने अपनी बुकिंग करवाई हुई थी। छोटी होती थी ना, हानिया मम्मा को कहती थी, मम्मा ये मुझे हाई फाई कर रहा है, ये हैंड मुझे हाई फाई कर रहा है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है आपको? अब हानिया बड़ी हो गई, हानिया को पता चल गया ये हैंड कह रहा है स्टॉप, यू कैन नॉट मूव, वी आर वेटिंग हियर। गैराज से हडसन यार्ड की जो वॉक थी वो जस्ट 2 मिनट्स की थी, और हम इजीली वॉक करके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। जैसे ही बाहर निकले तो हमें अंदाज़ा हुआ, ओ माय गॉड, आज तो वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और हम उस तरह से प्लान्ड पैक्ड होकर नहीं आए थे, बच्चों को मैंने जैकेट्स नहीं पहनाई थी, फैशनी कोट पहना दिए थे, और बाहर निकल के अंदाज़ा हो गया कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई यार। बच्चों ने तो बाहर निकलते ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी और अपने आप को वार्म अप करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ द हडसन यार्ड, लाइक सीरियसली दिस इज द हडसन यार्ड, जिसके लिए हम 1 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पर पहुँचे हैं। यस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किड्स आर सो एक्साइटेड। हाउ एक्साइटेड आर यू हानिया? कैन यू शो मी योर एक्साइटमेंट? ये दे लाइक इट सो मच। डेकोर वॉज जस्ट ऑसम, बहुत ही खूबसूरत डेकोर था। यहाँ पर हमें एक और फैमिली ने ज्वाइन किया था, और उनके ज्वाइन करने की वजह से मेरे बच्चे और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि बच्चों को तो बच्चे ही चाहिए होते हैं। इट वॉज़ वर्थ गोइंग देयर, और ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत थी, नॉट दैट मच क्राउडेड। एंड ये है वो वेसल जिसका चर्चा बहुत ज़्यादा सुना हुआ था। बाहर खड़े होकर वी वर वंडरिंग कि आखिर इससे अंदर क्या है इस वेसल में, कि सब इसके अंदर जा रहे हैं, जाकर देख रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसी सोच के साथ हम भी अंदर एंटर हो गए। हमें लग रहा था कोई बिल्डिंग होगी अंदर, कोई ऑफिसेज होंगे अंदर, कोई एलसीडियां लगी हुई होंगी, लेकिन अंदर आके पता चला कुछ भी नहीं है, राइट? खुला आसमान है, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है। चलें जी, अब चलते हैं अंदर शॉप्स की तरफ और जाकर इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, और थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं या फिर विंडो शॉपिंग करते हैं। बस इनाया को ना कहीं आउटडोर ले जाएं, और फिर वो ऐसे समझती है कि आप कौन और मैं कौन। बच्ची हाथ नहीं पकड़ती, जहाँ जाना है उसकी अपनी मर्जी है। बंद हो जाओगी, आ जाओ मम्मा, ये और ये है जी अंदर का खूबसूरत सा व्यू, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ ही रहा होगा। और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, और अंदर आते ही सर्दी भी कंट्रोल हो गई थी। यहाँ अमेरिका में ऐसे ही होता है कि बाहर बहुत ज़्यादा शदीद ठंड हो, लेकिन मॉल्स के अंदर, कार्स के अंदर, हाउसेस के अंदर हर जगह सेंट्रल हीट होती है एंड परफेक्ट टेम्परेचर होता है। बाहर आते ही बच्चों का मूड बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, हर किसी को आते जाते हाय हाय चल रहा होता है। Why she want के बस मैं इसकी पिक्चर्स लेती रहूं, मैं अपनी ना लूं। हाँ,
जैसे ही मैं कोई वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा ऑन कर रही थी, हनिया मैडम पहले मुझे सामने पोज बनाकर रेडी नजर आती थी। अच्छा, मोस्टली ना होता भी यही है कि जब पेरेंट्स चाह रहे होते हैं बच्चों के कैप्चर्स क्लिक करना, तब उनके मूड नहीं होते, और जब पेरेंट्स नहीं चाह रहे होते तो बच्चे आके खड़े होकर दिखा रहे होते हैं कि पहले हमारी ले लें, हमने भी आन। और इनाया के टेंड्रम्स हर जगह चलते रहते हैं। शी वॉन्ट टू वॉक ऑन इट्स ओन। अपने बाबा का भी हाथ पकड़ने में इतने नखरे दिखा रही थी। इतना खूबसूरत डेकोरेट हुआ था, इट वॉज जस्ट रियली ऑसम। लाइक हर चीज़, एलिवेटर, एस्केलेटर्स। ये इनके हॉलीडेज हैं न्यू ईयर के लिए, क्रिसमस के लिए। बहुत प्यारी डेकोर यहाँ हमने देखी और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। चलें जी, सो नेक्स्ट प्लान है हमारा कुछ बाहर चलकर खाने का। खाने से पहले बाहर निकलना था और बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो इस वजह से हमने सोचा था हमें वॉशरूम से बंद करवा लें। पता है बच्चों को वॉशरूम में क्या मज़ा आता है, इतनी देर लगा देते हैं हैंड वॉश करने में, एक्सप्लोर करने में, हैंड्स ड्राई करने में। बहुत सारी डिस्कशंस के बाद हमारा प्लान बन गया कि हम जा रहे हैं चिक्कीज़ खाना खाने के लिए। अब आप जानकर हैरान होंगे कि हम मोर 40 मिनट्स ड्राइव करके गए हैं उस खाने के लिए। चलते चलते हमें फिर याद आ गया कि ये बहुत प्यारा स्पॉट है और यहाँ पर तो पिक्चर्स हमारी रह गई हैं, और फिर हमने बच्चों को दोबारा बुलाकर इनकी यहाँ पर पिक्चर्स कैप्चर की। हर जगह यही नारे लगे हुए थे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, हर कोई एक दूसरे को कह रहा था, तो बच्चों ने भी इनको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। सो गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ पर बच्चों ने दोबारा से नई जिद स्टार्ट कर दी थी कि हमने अपनी कज़न की कार में बैठकर नेक्स्ट स्पॉट तक जाना है। काफ़ी मिन्नतों के बाद हरियाणा ने अपने बाबा से इसकी परमिशन ली एंड वी आर मोर देन हैप्पी। मेरा हैप्पी। और अब ना हम ना 40 मिनट्स की ड्राइव करके ना चिक्कीज़ खाने जा रहे हैं जी। चिक्कीज़ मेरे शोहर की फरमाइश पर, आप ना खाना स्पेशली इनकी फरमाइश पर, और मैं तो सीधी हो गई हूँ गाड़ी में। आई कैन नॉट, दैट्स माय फेवरेट, सो व्हाटएवर इट टेक्स मी टू गेट देयर आई विल गेट इट। 40 मिनट्स इट्स टू मच। ओके, यू नॉट ड्राइविंग। एक घंटा हम लगाकर पहले हडसन यार्ड गए, राइट? यस। और अब 40 मिनट्स हम और लगाकर चिक्कीज़ खाने जा रहे हैं जी, जो कि एयरपोर्ट के रास्ते में। दिल तो मेरा कर रहा है वहीं से एयरपोर्ट से सीधा पाकिस्तान की फ्लाइट लेकर मम्मा पापा के पास पहुंचा, फिर वहां खाऊं मजे मजे के खाने। वक्त का क्या है, गुजार ही जाता है। गुजार लिए हमने भी 40 मिनट्स, पहुंच गए हम। जी जी जी, लेट्स गो। तो जी, मेरी इतनी लंबी डिस्कशन और इतनी नाराज़गी की वजह हम आपको बता दें कि मैं चाह रही थी हम कहीं और जाकर खाएं, और मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था कि उन्होंने यहीं पर आकर खाना, तो इसलिए आई वॉज लिटिल बिट एंग्री और मेरा मूड भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। लेकिन पहुंच गए हैं, तो फिर अब जब टाइम गुजर गया तो फिर मूड भी ठीक कर लिया। सो नाउ इट्स टाइम टू ऑर्डर द फूड। यहाँ की जो स्पेशल डिश है वो है जी लोडेड फ्राइज, जिसे चिकन चिप्स कहते हैं। यहाँ बच्चे एक दूसरे की प्रोग्रेस बता रहे थे। किसी ने भी तंग नहीं किया, प्रॉमिस तंग नहीं किया, किसी ने भी। खाना आ गया है हमारा और आपको देखने से लग ही रहा होगा, तो था नूडल्स क्रिस्पी और जहाँ बैठकर जो खाने का था उसकी तो बात ही कुछ और है। बस मैं इतनी ज्यादा ड्राइविंग नहीं चाह रही थी। बस रेस्टोरेंट पहुंचने की देर होती है और खाना इतना ऑर्डर कर देते हैं जैसे कोई 2-3 दिन का खाना खाना हो। फिर होता क्या है कि बस थोड़ा सा खाकर फुल हो जाते हैं और बाकी फिर हम पैक करवा लेते हैं। ये थे जी विंग्स पेरी पेरी सॉस के साथ, ये वाकई बहुत ही मज़े के थे एंड आई विल रेट देम 10/10। बर्गर भी बहुत मज़े का था, लेकिन वहाँ नहीं खाया गया, घर आकर खाया।
एंड एयर फ्राई करके खाया था, ये बिल्कुल फ्रेश हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और ज़्यादा इन्जॉयमेंट करने की वजह ये भी थी कि एक और फैमिली ने हमें ज्वाइन कर लिया था, और जब आपके साथ कोई और हो तो मज़ा दोबाला हो जाता है, ये मेरी थिंकिंग है। अकेले जाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना आप फैमिलीज़ के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। तो जी चलते हैं घर की तरफ। आज रास्ते में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं थी, इसकी रीज़न ये थी कि हम 12:30 घर पहुंचे थे। हाँ जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।